Hi, Cancer, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Cancer? Cancer, thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot. Cancer, एक स्पेशल अनाउंसमेंट आप सबके लिए, up to 20% off on personal readings. जी हाँ, Cancer, अगर जुलाई 31 से पहले पहले अगर आप अपने पर्सनल रीडिंग बुक कराएंगे, आपको मिलेगा 20% तक का छूट, क्योंकि चल रहा है स्पेशल समर ऑफर. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन पे मेंशन है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट रियली वेरी मिनिमम फीस विद अप टू 20% ऑफ. कैंसर, ओके कैंसर, देखते हैं आपका जुलाई में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है. ओके, लेट्स चेक. अपने पर्सन को अपने माइंड एंड हार्ट में रखिए और ये रीडिंग देखना आरंभ कर दीजिए. पहले देखते हैं ऑरेकल डेक से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं. ओके, लेट्स सी. यू गॉट रॉबरी. वाह, रॉबरी, लोनलीनेस, ओके, एंड डिस्टर्बेंस. ओ माय गॉड, आपके आपके पर्सन की एज हो सकती है 59, 31 एंड 57. 57 आपका आपके पर्सन का लकी नंबर हो सकता है 5. ओके, लेट्स चेक टैरो से आपके लिए क्या मैसेज आया. एंजल्स, हायर बीइंग्स, एंसेस्टर्स. वन सेकेंड, एंसेस्टर्स. लव लाइफ फॉर कैंसर इन द मंथ ऑफ जुलाई 2024. ओके, लेट्स कट द डेक. करेंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज द चैरियट. इंटेंशन ऑफ योर पर्सन इज 9 ऑफ ब्लेड्स. फ्यूचर एक्शन ऑफ योर पर्सन इज 10 ऑफ कप्स. योर एनर्जी 5 ऑफ वॉन्ड्स. एंड फ्यूचर ऑफ दिस होल कनेक्शन 2 ऑफ ब्लेड. बॉटम ऑफ द डेक, नाइट ऑफ कॉइन्स. ओके 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 ओके. जोडियक साइन बता देती हूँ. जोडियक साइन इज कैंसर. कैंसर, लीब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई एंड सैजिटेरियस. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. हाँ, बहुत एविडेंटली एक चीज दिख रही है आपके कनेक्शन में कैंसर, कि आपका ना, हाँ, आपका जो ये पर्सन है ना, इनकी लाइफ में ना सब सारी चीजें प्रायोरिटी है. इनकी, चलो, करियर प्रायोरिटी है, फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, कुत्ता है, कुत्ता मतलब इनका पेट है, आप इनकी सबसे लास्ट प्रायोरिटी आते हो. अगर ये केस है तो लाइक करो वीडियो. कैंसर, आप इनकी कहीं पे भी प्रायोरिटी पे ही नहीं आते हो. आप मतलब इनके जहन में ही नहीं आते हो. व्हाट आई से यार, व्हाई ये ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं? व्हाई दे आर बिहेविंग लाइक दिस? व्हाई? लेट्स गेट स्टार्टेड. आई गॉट द आंसर. करेंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन. सी, मैं एक चीज बताऊं, दैट अगर आप लोग का बहुत टाइम से रिलेशनशिप था, लाइक 1 साल से, 2 साल से, जितने भी सालों से, व्हाट आई एम सीइंग इज दैट दिस पर्सन डज नॉट लव यू एनी मोर. ये पर्सन आपको प्यार नहीं करता है. दे आर फॉलन आउट ऑफ लव. वही मैंने बोला कि आप इनकी प्रायोरिटी हो ही नहीं. आप इनकी प्रायोरिटी नहीं हो. मतलब अगर इन्हें, शायद अगर इन्हें इन्हें 10 10 फ्रेंड्स हैं, वो अपने पहले 10 फ्रेंड्स से बात करेंगे. वे जब आपसे, आप जब आपका कॉल आएगा, आपसे बात करने की बात आएगी, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, तब इनका हेडेक होने लग जाएगा, तब इन्हें नींद आने लग जाएगी. ये होगा, ये अपने सारे दोस्तों से मिलते, सब करते, बट आपसे मिलने का इनके पास टाइम नहीं है. दैट्स द केस, देन व्हाई आर यू इन दिस रिलेशनशिप कैंसर? करेंट एनर्जी में जितना मुझे दिख रहा है, ये रिस्पेक्ट करते हैं आपकी, ये आपको एक बहुत अच्छा पर्सन मानते हैं. ये मानते हैं कि कैंसर एक बहुत हाईली रिस्पेक्टफुल इंडिविजुअल है, बहुत करियर में अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, सब कुछ है, बट दे डोंट फील अ कनेक्शन विथ यू. देर इज नो कनेक्ट, देर इज नो इमोशनल कनेक्शन. करेंट एनर्जी में भी अभी भी दे आर लाइक कि ये अपनी लाइफ में सब चीज़ों को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं. मतलब ये आपको, आपको ये आपके टूवर्ड्स एक्शन लेना ही नहीं चाहते हैं, ये आपके टूवर्ड्स एफर्ट्स करना ही नहीं चाहते, क्योंकि इनके दिल से ही नहीं आ रहा है. अरे नहीं करना चाहते तो ब्रेकअप करो ना. वही मुझे दिख रहा है. फॉर द पास्ट, आई एम सीइंग फॉर द पास्ट 7 to 9 मंथ्स, ये
रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? रिलेशनशिप का मतलब होता है अच्छी मेमोरीज क्रिएट करना, बात करना, टाइम स्पेंड करना, घूमना फिरना, एंजॉय करना। मेंटल ट्रॉमा लेने के लिए थोड़ा ना कोई रिलेशनशिप में आता। आप लोग का तो मेंटल ट्रॉमा चल रहा है, आप इनसे बेग करते करते थक गए हो कि भाई आप मेरे साथ टाइम स्पेंड करो, आप मुझे प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो, आप घूमते नहीं हो, आप मेरी केयर नहीं करते हो, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एंड द वर्स्ट पार्ट व्हाट आई एम सीइंग इज दैट कि आपसे ब्रेकअप भी नहीं कर रहे हैं, या आपको ये भी नहीं बता रहे कि कैंसर आई एम नॉट इन लव विथ यू एनी मोर, कैंसर मुझे आपके साथ कोई फीलिंग्स नहीं महसूस होती है, सो लेट्स जस्ट कट दिस रिलेशनशिप आउट, लेट्स जस्ट एंड इट। एंड भी नहीं कर रहे हैं, और एंड इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि डरते हैं फिर अकेले रहने से। अरे तो ऐसे रिलेशनशिप में क्यों रहते हो आप लोग? वही एनर्जीज दिख रही है दैट दे आर नॉट बीइंग 100% ट्रू टू योर सेल्फ एंड ट्रू टू योर सेल्फ कैंसर। एंड कैंसर आपको पता है कहीं ना कहीं ये पर्सन इज नॉट इंटरेस्टेड एनी मोर, ये पर्सन नहीं एफर्ट्स कर रहे हैं इंटेंशन में, सी दे डोंट वांट टू बी विथ यू, लोनली विथ नाइन ऑफ ब्लेड्स। कहीं ना कहीं इन्हें कभी कभार रिग्रेट होता है कि या मैं कैंसर के साथ अच्छा नहीं कर रहा हूँ, मैं कैंसर के साथ बहुत इनजस्टिस कर रहा हूँ, कैंसर डज नॉट डिजर्व दिस काइंड ऑफ थिंग। वही दिख रहा है कि आपके साथ ब्रेकअप या आपके साथ सेपरेट इसलिए नहीं हो रही क्योंकि खुद डरते हैं अकेले रहने से। ये किस किस्म का मेंटल इमोशनल गेम खेल रहे हैं आपके साथ कैंसर? मतलब ये खुद नेगेटिव हो रहे हैं, खुद नेगेटिव सोचते हैं आपके बारे में, आपको टाइम नहीं देना चाहते, आपको आपके लिए एफर्ट नहीं करना चाहते, बट छोड़ना भी नहीं चाहते हैं। क्या है ये, किस किस्म की टॉक्सिसिटी है? ठीक है, 1 महीना चलो आपने बात नहीं की, 1 महीने एफर्ट्स नहीं किया, 2 महीने नहीं किया, बट ये महीनों महीनों का ये केस चल रहा है। कैंसर, इफ यू आर रेजोनेटिंग विद दिस वीडियो, इफ यू आर स्टिल वॉचिंग दिस वीडियो, ऐसे भी कैंसर में मेरे व्यूज नहीं आ रहे क्योंकि आप लोग की एनर्जी ही वैसी इंटेंस आती है, तो मैं क्या करूं? अब मैं अच्छा अच्छा प्रिटेंड नहीं कर सकती जब इतने भयानक कार्ड्स आ रहे, इतनी भयानक एनर्जीज आ रही है, ये बताओ। इफ यू आर रेजोनेटिंग विद दिस वीडियो देन टेक अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ। आप मेंटली इमोशनली एकदम परेशान हो रहे हैं, आपकी एनर्जी में भी आएंगे। ऑल्सो देखो, फ्यूचर एक्शन में मुझे ये पता हूँ क्या दिख रहा है आपके केस में, मुझे दिख रहा है आप लोग की शादी भी हो जाएगी, या आपको प्रपोज भी कर लेंगे, शादी भी हो जाएगी, बट आप दोनों में से कोई खुश नहीं रहेगा इस कनेक्शन में। फ्यूचर एक्शन में मुझे कहीं ना कहीं ये दिख रहा है, ये पर्सन आपको प्रपोज करते हुए दिख रहा है, ये पर्सन आपको शादी करते हुए दिख रहे हैं। आप ये कहोगे जब ये पर्सन आपको प्रपोज करेंगे, अरे भाई तुमने 1 साल से मुझे खुशी क्या दी है, तुमने 1 साल से मेरे मिली किया क्या है जो मैं तुमसे शादी करूं? दे आर गोइंग टू प्रपोज यू कैंसर। सी, इफ यू आर विद समवन देन ट्राई टू मेक देम हैप्पी, ट्राई टू एफर्ट्स करिए, बट आप एफर्ट्स नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, एकदम वैसे नहीं घिसा पिटा मैरिड लाइफ होती है ऐसे लोगों की जो कुछ नहीं, बस साथ हैं, बस साथ हैं, इस किस्म का कनेक्शन दिख रहा है। फ्यूचर एक्शन में दे आर गोइंग टू मैरी यू, आई एम नॉट इवन किडिंग, ये आपको प्रपोज करते हुए दिख रहे हैं। किस किस्म के वाहियात मेंटल गेम खेलने वाले पर्सन है ये? ये आपसे शादी करते हुए दिख रहे हैं, आपको प्रपोज करते हुए दिख रहे हैं, या आपको शायद प्रॉमिस करेंगे कि नहीं सब कुछ अच्छा हो जाएगा, नहीं मैं अपने बिहेवियर पे चेंज लाऊंगा, बट आई एम सॉरी, आई एम नॉट सीइंग एनी काइंड ऑफ चेंजेस। इतनी नेगेटिव एनर्जी साथ में आई है। कैंसर, आपकी एनर्जीज पे आते, योर एनर्जी, आप बहुत परेशान हो, आप बहुत परेशान हो, बहुत परेशान हो आप बहुत लड़ते हो इस पर्सन से, बहुत फाइट करते हो आप लिटरली, एक एक छोटी छोटी चीज के लिए कि आप मुझसे 10 मिनट फोन पे बात कर लो, आप मुझसे मिलो, आप उस चीजों के लिए लड़ते हो। कैंसर, व्हाट आर यू डूइंग विथ योर सेल्फ? आपका तो मेंटल इमोशनल एकदम माइंड एकदम आपका खराब हो रखा है। आप मेरे हिसाब से आप फाइट इसलिए कर रहे हो, आप फाइट इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप इस रिलेशनशिप को, इस रिश्ते को बचाना चाहते हो, बट सामने वाला नहीं बचाना चाहता है। ये एकदम हाईली टॉक्सिक कनेक्शन है जिसमें लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, सामने वाले को फर्क नहीं पड़ रहा है, बट साथ में है, ये भी परेशान है, आप भी परेशान हो, इतनी नेगेटिविटी है आप दोनों के बीच में। अगर नेगेटिविटी है, अगर साथ रहना, देन वर्क ऑन इट ना। आप तो वर्क ऑन कर रहे हो कैंसर, आई एम नॉट ब्लेमिंग यू कैंसर, आप वर्क ऑन कर रहे हो, आप एफर्ट डाल रहे हो कि आप स्पेस भी दे रहे हो, आप ट्राई कर रहे हो इस रोमांस को, इस रिलेशनशिप को रिकिंडल करने को, यू आर डूइंग योर बेस्ट कैंसर, बट ये करना नहीं चाहते। अगर करना नहीं चाहते तो छोड़ दो ना भाई, छोड़ दो, छोड़ना भी नहीं है। ये किस किस्म की टॉक्सिसिटी चल रही है? व्हाट काइंड ऑफ टॉक्सिसिटी इज दिस? और अगर इनसे पूछो कि तुम्हारी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, तो इनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ऐसे ही मन नहीं है। मन नहीं है तो अकेले रहना सीखो ना, दूसरों का आप लोग लाइफ क्यों खराब कर रहे हो? कैंसर,
कैंसर में एक चीज बोलूंगी मैं आपको, एक टिप दे रही हूँ, प्लीज सुन लो, अगर आप अभी तक मेरी रीडिंग देख रहे हो, मैक्सिमम 1 महीना और दो इस कनेक्शन को। अगर 1 महीने के अंदर चीजें सॉर्ट आउट नहीं होती, देन काइंडली मूव ऑन, यू डंप दिस पर्सन एंड मूव ऑन। ज्यादा ही इश्यूज हैं, आप प्लीज काउंसलिंग के पास जाओ, आप प्लीज कपल काउंसलिंग कराओ अगर बहुत इश्यूज हैं तो। बिकॉज दिस पर्सन, व्हाट आई एम सीइंग इन दिस पर्सन एनर्जी इज दैट ना, इनकी लाइफ में सब अच्छा है, इनकी लाइफ में सारी चीजें प्रायोरिटी पर, आप प्रायोरिटी पे नहीं हो, आपके लिए एफर्ट्स नहीं करना चाहते, क्योंकि इनका मन नहीं है, इनका मन उब चुका है, मन उब भी चुका है तो छोड़ भी नहीं रहे हैं। कि किस किस्म का मैनिपुलेशन है, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं, ये आप हो, ये आप हो, ये आपका पर्सन है, भूत की तरह चिपके हुए हैं आपसे। कैंसर, सी इश्यूज हैं, वर्क ऑन इट, यू आर वर्किंग ऑन इट, बट दे आर नॉट वर्किंग। तो क्या है ये टॉक्सिसिटी? मेरे हिसाब से तो आप दोनों को कपल काउंसलिंग के पास जाना चाहिए, आप लोगों को थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए, ताकि जो काउंसलर हो ना, वो आप लोगों के इश्यूज को अंडरस्टैंड कर सके। आप वर्क, वही मैं कह रही हूँ, आप वर्क ऑन करना चाहते हो, कहीं ना कहीं यू आर नॉट गिविंग अप, बट दे आर ऑन द वर्ज ऑफ गिविंग अप, बट दे डोंट वॉन्ट टू गिव अप। ऐसे वही आई एम सीइंग फॉर द पास्ट 7 to 9 months, आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई खुशियां ही नहीं रही हैं, बस चल रहा है, चल रहा है। एनी वे, फ्यूचर ऑफ दिस होल कनेक्शन, मुझे तो क्या बोलूँ फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर तो मुझे क्लियर कट ये दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में और कंफ्यूजन बढ़ते हुए दिख रही हैं, ये एफर्ट्स लेते हुए नहीं दिख रहे हैं, ये आपको 10 10 15 15 दिन आपसे बात करते हुए नहीं दिख रहे हैं, ये बहुत मूडी होते हुए दिख रहे हैं। अगर प्लीज इनका कोई मेडिकल टेस्ट करा लो, अगर इनका ज्यादा ही मूडीनेस चल रहा है, इट कैन बी ड्यू टू सम मेडिकल इश्यूज एज वेल, क्योंकि यहाँ पे दवाइयाँ हैं। आई एम सीइंग इनके कोई मेडिकल इश्यू हो सकते हैं जिस वजह से ऐसे बिहेव कर रहे हैं। मुझे फ्यूचर अच्छा नहीं दिख रहा, फ्यूचर में मुझे बहुत कन्फ्यूजन, मुझे कोई क्लैरिटी आते हुए, कोई खुशियाँ आते हुए मुझे कुछ दिख नहीं रहा है फ्यूचर में। आई एम टेलिंग यू कैंसर, मैक्सिमम आपको 1 महीना और देना है इस कनेक्शन में, 1 महीने के अंदर कुछ नहीं हुआ, प्लीज अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पकड़िए एंड मूव ऑन करिए। इनकी लाइफ में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही, इनका करियर अच्छा दिख रहा है, इनकी फैमिली अच्छी दिख रही है, बस मन नहीं है, मन नहीं है, देन ब्लडी मूव ऑन ना, देन प्लीज ब्रेकअप करो ना। अगर वर्क ऑन करना है, अगर आप वर्क ऑन करो, ये नहीं कर रहे हैं, देर इज सम इश्यूज, तो इनके जो इश्यूज हैं प्लीज आप काउंसलिंग के पास जाओ प्लीज। और आपको, आप बहुत मेहनत कर रहे हो कैंसरस रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन में, सिर्फ एक साइडेड एफर्ट्स है, सिर्फ आप एफर्ट्स डाल रहे हो, इतना मत करो, डोंट डू इट। आपने बहुत किया, 1 महीना और करना है, उसके बाद नहीं करना है, क्योंकि फ्यूचर मुझे एनी वे अच्छा नहीं दिख रहा। आप लोग की शादी भी हो जाएगी, शादी के बाद भी ये पर्सन आपसे डिसइंटरेस्टेड रहेगा, आपसे बात नहीं करेगा, आपके साथ फिजिकल इंटीमेट भी नहीं होगा, इमोशनल कनेक्शन जीरो होगा, और आप बर्बाद हो जाओगे। प्लीज अगर आप शादी करने का सोच रहे हो, थिंक वाइसली कैंसर। दिस वॉज योर लव लाइफ रीडिंग, बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो आप पर्सनल रीडिंग बुक कराओ, ये बहुत ही जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।